ये गुदड़ी का लाल जो कहा जाता है चंद्र कुमावत है, ये इसके पापा हैं सुनील जी कुमावत, मम्मी ईश्वर जी कुमावत, और ये मम्मी हैं प्रतिभा। प्रतिभाएं जो होती हैं उनको प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है सिर्फ और सिर्फ, सुविधाओं की जरूरत नहीं होती है। बस ऐसे कहा गया है ये कच्चे मकानों में आप प्रैक्टिकली देखो, इन कच्चे झोंपड़ियों में पड़ गए और इस बच्चे ने इस सेशन में 95.60 अंक हासिल किए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि प्रतिभाएं होती हैं वो सुविधाओं की मोहताज नहीं होती हैं। इस बच्चे ने 2 साल 11th और 12th हमारे विद्यालय से किया है, हार्ड वर्कर था जिसका परिणाम सभी के सामने है। मैं ये कह सकता हूँ इस बच्चे की मेहनत के आधार पे कि आने वाले टाइम में जो भी होने वाला है वो IIT में अच्छी रैंक देगा, क्योंकि मैंने खुद ने इस बच्चे की क्लास ली है। ये बहुत ही सिंसियर बच्चा, जमीन से जुड़ा हुआ, कभी और कॉन्फिडेंस टाइप की ऐसी चीज़ कभी नोट नहीं की गई है। कारण कि आप जैसे लोगों ने हमारे को जिम्मेवारी दे रखी है इस उम्र के बच्चों की, अब वहाँ से ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बड़ी समस्या होती है, खाने का ही टाइम नहीं मिलता है। एक और भी ऐसे अकेला बच्चा है, बच्चा कुछ नहीं होता, बच्चे के लिए शिक्षण स्थान भी अच्छा चाहिए, प्लेटफॉर्म, ये तो बताया ही है कि बीज कितना ही अच्छा लिया हो अगर जमीन अच्छी नहीं है तो क्या बटेगा। नहीं सही है, बीज भी अच्छा चाहिए, जमीन भी अच्छी चाहिए, खाद बीज भी अच्छा चाहिए, सारी चीजें। और फिर एक लठ लेके आदमी और चाहिए नहीं है, रोज ही रण ए खाजा भाई, वो भी एक चौकीदार भी अच्छा चाहिए, टैलेंट है। दो लोगों ने और बताया होगा कि अच्छा बच्चा है, वो उसको प्लेटफॉर्म मिल जाए तो नो डाउट वो अपने आप ही अच्छा कर देता है। अरे इसी वजह से ये 2 बार आए 4 बार आए, वो चीज आपके उस समय समझ में कम आ रही थी वो तो अब समझ में आ रही है। और क्या होता है टाइम निकलने के बाद में समझ में आता है ना, अब आपने कैसे समझा कैसे नहीं समझा वो तो आप जानो, लेकिन उसका रिजल्ट आज मिल रहा है, समझ गए तब। और अगर उस समय समझ में नहीं आती तो ये टाइम ज्यादा निकल जाता है। अब हमारे दिल में एक ही दर्द है कि किसानों की प्रतिभाएं होती है गाँव में, और किसान जो है वो बहुत मेहनती कौम है, लेकिन वो थोड़ा सा अभाव में आजकल कहीं कहीं कोई चिल्काबाजी में या तो और या कोई रिश्तेदारी में उसमें उड़ के और वो प्रतिभाएं वहीं दफन हो जाती हैं। मैं आपको बताऊं साहब, सीधे जोड़ तो 1% ही नहीं गिरेंगे चाहे किसी का बाप ही क्यों ना हो। सीकर में राजस्थान का पहला स्कूल है जिसमें MIT का तो लैब है जो अमेरिका से कंडक्ट होता है। इस बार हमने चालू किया, हम ऐसे नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ये झूले वूले लगा दे रोल पे, नो डाउट बच्चे तो बच्चे होते हैं, झूले लगा दिए तीसर पट्टी लगा दी घंटा दो घंटा उस पर ख़राब करके चला जाए, हाँ ऐसा नहीं, बच्चे तो ऐसा समझेंगे कि ये अच्छा लगता है और उसके बारे में कहेंगे। हमारे पास आप कभी विजिट करो, आप लोग खुद आओ, हम ये चाह रहे हैं कि जैसा 3D स्केचिंग का मतलब आप ये समझो कि 12th करने के बाद में आर्किटेक्चर का कोर्स होता है, 5 साल का कोर्स होता है। अपने यहाँ की शिक्षा नीति ही ऐसी है जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं दिया जाता है साहब। वहाँ हमारे छोटे बच्चे जो 6th-7th के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं ये समझो आप। आने वाला जो टाइम होगा अपने यहाँ की ट्रेडिशन, अपनी शिक्षा नीति ऐसी है जिसमें बच्चे हैं ग्रेजुएशन कर लेते हैं, PG कर लेते हैं, उसके बाद 10-10, 12-12 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए इधर उधर भटकते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो टेक्निकल है तो, लेकिन टेक्निकल हो क्या, उन्होंने जो नॉलेज लिया वो थ्योरेटिकल लिया, प्रैक्टिकल लिया ही नहीं है। उसमें जाके देखोगे ये छोटे बच्चे 3D स्केचिंग बनाते हैं जो अपने आर्किटेक्चर नहीं होता है घर वो जो काम करता है, उस प्रकार का हम ये कह रहे हैं 6 to 8 का बच्चा कर देगा और कर रहा है, कर रखा है प्रैक्टिकली। कभी आपको मौका मिलता हो दिखाएंगे आपको, भाई नो डाउट आप लोग सीख कर जाते हो। दूसरा जैसे क्या है कि अपनी मुख्य पौध जो है वो बच्चे हैं साहब, किसी के पास कितना भी धन हो कुछ नहीं बटेगा अगर औलाद सही नहीं है तो, औलाद ही है। हाँ मुख्य धन भाई हमारी सोच है ये, अब लोगों की अलग अलग होती होगी, लेकिन मुख्य जो
धन है वो यही है, और ये अगर सक्सेस हो जाती है तो कहीं पैसे की जरूरत नहीं है। पर हमारे भी ये है लैब वगैरह आना, हमारे से हमारे पास क्या है साहब, लोगों के सामने हम 10 पैसे ही नहीं। बच्चे ने 12th में जो परसेंट प्राप्त किया है बड़े खुश हैं हम। दूसरी बात यह है अब ये बच्चा I30 में पढ़ रहा है, पढ़ेगा, अगले साल आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, IIT का रिजल्ट और IIT का रिजल्ट मिलेगा। हम अब आपसे ये उम्मीद करते हैं कि 10th में जो आपका बच्चा साइंस लेने वाला है, अच्छा स्कोर करने वाला है, उसको हमसे जोड़ो, एग्रीकल्चर ले उसको भी जोड़ो, क्योंकि एग्रीकल्चर और साइंस दोनों है। सर आप 10th तक का स्कूल चलाते हैं, अब सर ने एक बात कही है साइंस लेने वाला, साइंस लेने वाला कोई वजन होता है क्या साइंस या आर्ट में? उसमें क्या होता है बच्चा LKG में आता है, उसको प्रॉपर माहौल की ज़रूरत होती है। साइंस दिलवाओ भी आर्ट जो भी आ रहे IAS बनते हैं उनमें से मैं तो ये कह दूँ 95% बैकग्राउंड साइंस होता है। आजकल के पेपर्स जो हैं वो अलग ढंग के होने लगे, मोस्टली लोग मैथ्स के होते हैं क्योंकि उसमें बच्चा हार्ड वर्कर हो जाता है। हार्ड वर्कर बच्चा भी किसान भी है, अगर खेत में 2-4 खड्डा ज़्यादा खोद के खाद गाटी जाए तो भी 2 मण दाना ज़्यादा हो, तो बात वो नहीं है। मूल बात तो ये है कि साइंस दिलवाओ, साइंस दिलवा के उसकी नियमितता वैसी बनाओ। आर्ट लेते ही मैंटेलिटी आर्ट जैसी बना लेता है बच्चा, तो मैंटेलिटी उसकी आर्ट जैसी मत बनने दो। आर्ट लेनी है तो 12th के बाद लो, और आप तैयारी करवाओ RS की IAS की। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मेरी बेटी ने 12th किया उसके बाद दिल्ली डाला, तो मैं वहाँ 3-4 दिन रहा। बिहार में 2 ही वर्ग हैं, एक लोअर क्लास और एक अपर क्लास, मिडिल क्लास नहीं है जो अपने वाली है साहब। वहाँ बिहार से बच्चा निकलने के बाद वो सीधा दिल्ली पकड़ लेता है। वो बच्चे जहाँ रूम में रह रहे हैं उस रूम को मैंने देखा, तो मैंने देखा कोई फैमिली रह रही है, उनके पास हर प्रकार का आइटम था, TV, कूलर, फ्रिज, अपने घर में होता है वो पूरा आइटम, सुख सुविधा पूरी थी। वो बच्चे ये विजन लेके आते हैं कि हमें सक्सेस होके जाना है, चाहे उसमें 2 साल लगे चाहे 10 साल लगे। अपने यहाँ क्या करते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, PG कर लेते हैं, उसके बाद RS की तैयारी करूँगा, तो वो पहले से ही पिछड़ गया। आजकल सिस्टम ये है 12th करो आप साइंस से, उसके बाद आप आर्ट लो, आर्ट में RS का फाउंडेशन करो। RS का फाउंडेशन करेगा 3 साल ग्रेजुएशन की, 2 साल PG की, 5 साल जो आदमी RS की तैयारी करेगा नो डाउट वो दौड़ में जो आगे होता है वो आगे रहता है। और अपने ही वो नेगेटिविटी रखते हैं, और नेगेटिविटी रखने के चक्कर में अपने सीधे जोर गिर जाते हैं। तो हमारा मतलब तो यही है, बच्चों को मोटिवेट करो, प्रतिभाएं गाँव में होती हैं और वो बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँच सकती हैं। और अब गुरुजी आपसे हम अधिकारपूर्वक कह सकते हैं कि जैसे पहला बच्चा हमारे पास सुनील सामोता आया था 18-19 के बैच का, आप स्वागत करो सामोता जी को, आओ आओ बोला सभी अब वेट कर रहे थे जैसे ही नाम आया। आप भी आओ, पिछली बार देखो इनका बच्चा था जिसने